हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और आज इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा सोलर रूफटॉप प्लांट घुमाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी फ्रेशर्स की लिंक्डइन पे भी और मेरे यूट्यूब के वीडियोस के लिंक में भी, कि भाई हमने सोलर प्लांट के बारे में पढ़ा भी है, जाना भी है, हम इस सेक्टर में आना चाहते हैं, पर हमने सर कभी कोई सोलर प्लांट फिजिकली हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। मतलब वहाँ पे सोलर पैनल हैं, इन्वर्टर हैं, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कैसे ये चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज रहती हैं, मार्केट में इनके जो भी ऑपरेटर्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हम नहीं जानते। तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ हिंदी में, ताकि आप ये प्लांट देख पाओ, एक्सप्लोर कर पाओ मेरे साथ और समझ पाओ कि हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द सोलर मॉड्यूल जो हमारे सौर ऊर्जा के पैनल है, वहाँ से लेके इन्वर्टर तक और ACDB पैनल क्लाइंट तक कैसे क्या चीज़ें किससे जुड़ी रहती हैं और किस प्रकार से जुड़ी रहती हैं। तो आइए आज हम ये छोटा सा सोलर रूफटॉप प्लांट को एक्सप्लोर करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे बेसिक चीज़ जो सोलर प्लांट में आपको दिखेगी, वो है एक सोलर मॉड्यूल। तो इस प्लांट में जो हमारा एक सोलर मॉड्यूल लगा हुआ है, वो है विक्रम सोलर कंपनी का, जिसका अगर आप वॉटेज देख पाएंगे तो एक मॉड्यूल है 320 वॉट का, जिसका हमारा VOC वोल्टेज यानी ओपन सर्किट जो इस मॉड्यूल का पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में है, वो है 46.14 वोल्ट, ठीक है। इसका शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा वो होगा 8.95 एम्पियर, ऑपरेटिंग जो करंट इसका होगा वो 8.33 है, ठीक है। तो उस हिसाब से किस क्लास का मॉड्यूल है, सी क्लास का मॉड्यूल है, और इसका STC और मतलब सिस्टम का जो वोल्टेज है 1000 वोल्ट, इसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये है हमारे एक मॉड्यूल का स्पेसिफिकेशन। इसको चाहें तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें ये पैरामीटर दिए रहते हैं। अब ये मॉड्यूल साइट पे जुड़े कैसे रहते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ बाहर आके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 20 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बना रखी है। अब ये मैंने क्या बोला कि 20 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बना रखी है, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। तो स्ट्रिंग का मतलब ये है कि हम मॉड्यूल के प्लस माइनस को सीरीज़ में जोड़ते चले जाते हैं। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, उसी के तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 10 मॉड्यूल की एक ट्रे है, इसको हम एक ट्रे बोलते हैं। इसी के तरीके से 10 मॉड्यूल की ट्रे और है। तो हमने यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ना चालू किया, इस तरीके से यहाँ पे लाए, यहाँ पे ऐसा ऐसा जोड़ते चले गए और वापस कनेक्ट करते हुए ऊपर से हमने वापस ले आए, तो हमें एंड में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 20 मॉड्यूल की पूरी एक सीरीज़ बन जाएगी है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ऐसे घुमाते हुए हम वापस ले आए कनेक्ट करते हुए मॉड्यूल के पीछे पीछे, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दो तार मिल जाएंगी जो हमारे इन्वर्टर में जाके लगेगी। तो इसको हम बोलते हैं एक स्ट्रिंग, जिसमें हमने 20 मॉड्यूल सीरीज़ में जोड़ रखे हैं। अब आइए देखते हैं कि इस मॉड्यूल की टेबल बनाने में जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है GI का, उसको क्या क्या बोलते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे इस मॉड्यूल के पीछे जिस स्ट्रक्चर पे इसको माउंट किया गया है, तो ये है इसकी RCC की फाउंडेशन, ठीक है। इसमें जो ये सीधा वाला रॉड लगा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल पोस्ट, ओके। और उसके बाद जो आपको इंक्लाइंड लगा हुआ है पोल, उसको बोलते हैं राफ्टर, ओके। और जिस पोल पे मॉड्यूल को लिटाया गया है, उसको बोलते हैं पर्लिन। तो ये हो गया आपका पर्लिन, ये हो गया आपका राफ्टर, ये हो गया आपका वर्टिकल पोस्ट, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ का ध्यान और भी दीजिएगा कि इस मॉड्यूल को एक पर्टिकुलर कोण पे, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे झुका के लगाया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में आप और डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं कि क्यों एक पर्टिकुलर एंगल पे किसी साइट पे मॉड्यूल को लगाया जाता है। वो डिपेंड करता है उस साइट का लैटिट्यूड कितना है। तो अगर आप सोलर रेडिएशन के परपेंडिकुलर जितना मॉड्यूल आप लगाओगे, तो उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडिएशन आपके सोलर मॉड्यूल अब्सॉर्ब कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो हम आपको दो स्ट्रिंग दिख रही होगी, एक पॉजिटिव जिसमें लेबलिंग कर रखी है और एक नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से वो स्ट्रिंग होते हुए आप ये देख रहे हैं कि कॉन्ड्यूट के अंदर केबल ट्रे है GI की, और ये चली गई है इन्वर्टर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने 20 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बना के दो पॉजिटिव और नेगेटिव केबल निकाली और इन्वर्टर की तरफ हम चले गए। अब हम चलते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ।
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वहाँ 20 मॉड्यूल की ट्रे लगी हुई है, वहाँ से दो केबल निकल के इस ट्रे केबल ट्रे के अंदर निकल रही हैं इन्वर्टर की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि दो केबल है, एक ये और एक ये, और ये घूम के आ गई हैं हमारे इन्वर्टर की तरफ। अब ये डेल्टा कंपनी का इन्वर्टर है। रूफ टॉप सोलर में आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम अब मार्केट में 99% स्ट्रिंग इन्वर्टर लगते हैं। हम इसे स्ट्रिंग इन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली जो सोलर पैनल से स्ट्रिंग आ रही है इस इन्वर्टर में लग जाती है। हमें यहाँ पे डीसी डीबी यानी आपका डीसी का स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ती है, क्योंकि डीसी स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स पहले मार्केट में लगता था जब इन्वर्टर के अंदर हमें फ्यूज़ प्रोटेक्शन या एसपीडी प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। लेकिन आज की डेट में जितने भी हमारे स्ट्रिंग इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं उसके अंदर आपको ये इंडिविजुअल सोलर की जो स्ट्रिंग है उसमें आपको फ्यूज़ प्रोटेक्शन, एसपीडी प्रोटेक्शन सब कुछ मिलता है। इसलिए अब आजकल की डेट में जो सोलर रूफटॉप प्लांट लगा रहता है उसमें डायरेक्टली हम स्ट्रिंग ला के आपके इन्वर्टर के नीचे कनेक्ट कर देते हैं। इन्वर्टर के नीचे जितने भी पोर्ट्स दिए रहते हैं वो इस इन्वर्टर, ये डेल्टा का 50 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसमें दो MPPT हैं। अब MPPT क्या होता है ये आप नेट पे थोड़ा विस्तार में अगर आप जानना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। ये मोस्टली इसलिए होता है कि हम अपने सोलर मॉड्यूल से एक फिक्स्ड वोल्टेज पे मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम पावर देने के लिए होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में नेट पर और जान सकते हैं। अच्छा, इस इन्वर्टर में अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपका डीसी का पोर्शन है। सारी डीसी केबल आके लग रखी हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जिसकी हमने लेबलिंग की है। उसके बगल में एक हमारा एसी ग्लैंड है। ठीक है, तो अब ये इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है और ये एसी आउटपुट निकल के हमारा एसी डीबी की तरफ चला जा रहा है जहाँ से हम इस सोलर प्लांट के एसी पैरामीटर को कवर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ इस प्लांट में हमारी कैपेसिटी जो है प्लांट की कैपेसिटी डीसी कैपेसिटी इज़ 76.8 किलोवाट। ठीक है, और यहाँ पे हमें लगे हुए हैं दो डेल्टा के 50 किलोवाट के इन्वर्टर लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हमने यहाँ पे ओवरलोडिंग के रिस्पेक्ट में 50 किलोवाट के इन्वर्टर लगाए हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई जब प्लांट की कैपेसिटी ही 76.8 है तो दो 50 किलोवाट के इन्वर्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस छत की कैपेसिटी अभी ज़्यादा है, हम इसमें और एक्स्ट्रा मॉड्यूल टेबल यहाँ पे लगाने वाले हैं जो कि फर्दर इस इन्वर्टर में अटैच किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर एस्पेक्ट को देखते हुए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कैपेसिटी के इन्वर्टर लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी टोटल 240 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं सोलर मॉड्यूल्स। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर के पैरामीटर्स की क्या क्या है। ये डेल्टा का इन्वर्टर है, अभी आपको ये दिखा रहा होगा कि ये ऑन ग्रिड है, आज की डेट और आज का टाइम दिखा रहा है। ठीक है, आज का पावर इसने 93 किलोवाट आवर बना दिया है, स्टेटस इसका ऑन ग्रिड है। और पैरामीटर्स इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जब आप मीटर में जाएंगे तो देखेंगे कि L1 L2 ये फेज़ वोल्टेज आपको दिखा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में करंट कितना AC प्रोड्यूस कर रहा है वो दिखा रहा है, और पावर दिखा रही है V×I। फिर पावर फैक्टर आप देखेंगे कि बहुत इसने अच्छा मेंटेन कर रखा है, 0.99। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी चल रही है, पावर कितनी बना रखी है वो है। फिर आइए डीसी पैरामीटर आ गया। डीसी पैरामीटर में आपके पर्टिकुलर एक एक MPPT में कितना वोल्टेज चल रहा है रेडिएशन के रिस्पेक्ट में, वो कितना करंट और पावर V×I, वापस वही चीज़ लौट जाती है। ठीक है, बाकी और भी पैरामीटर्स हैं इस इन्वर्टर के अंदर कि उसका इवेंट लॉग, इन्वर्टर इन्फॉर्मेशन, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक और वीडियो है जो इस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डेल्टा इन्वर्टर के बारे में जान सकते हैं। तो ये हो गया आपका मॉड्यूल के बाद जो सोलर इन्वर्टर डेल्टा का लगा रहता है उसके बारे में। इस और बाकी इस इन्वर्टर के बारे में मैं आपको बता दूँ, इस इन्वर्टर की बॉडी अर्थिंग की हुई है और प्लस इस इन्वर्टर का फ़ैन रहता है यहाँ पे साइड में, जिसकी समय समय पे क्लीनिंग होती रहती है ताकि इन्वर्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो कूल रहे। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने सोलर के एसी डीबी पैनल के पास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दो इन्वर्टर लगे हुए हैं जिसमें से एसी केबल निकल रही है 4 कोर। ठीक है, 4 कोर अगर बोले तो यहाँ पे आपका है एक RYB न्यूट्रल और एक RYB न्यूट्रल, दो केबल आ रखी हैं जिसमें से न्यूट्रल वाली केबल आपको ग्रीन कलर की दिख रही होगी।
आर वाई बी न्यूट्रल। तो ये एक अगर इसको देखेंगे तो ये इन्वर्टर नंबर वन की चारों केबल है और वो इन्वर्टर नंबर टू की चारों केबल है। तो ये दोनों केबल अब जाके इस पैनल में इन दोनों ब्रेकर पे कंट्रोलिंग ब्रेकर्स पे लग गई है। तो ये ए बी बी का ब्रेकर है जिसकी रेटिंग है 63 एम्पियर। ओके, तो अगर मैं इस ब्रेकर को ऑफ कर दूंगा तो हमारा इन्वर्टर नंबर वन ऑफ हो जाएगा, और इसको अगर मैं नीचे वाले को ऑफ करूंगा तो इन्वर्टर टू ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल इन्वर्टर के कंट्रोलिंग के लिए ब्रेकर लगे हुए हैं शट डाउन लेके उनका मेंटेनेंस के लिए। अब हमने क्या किया है कि इन दोनों ब्रेकर को हमने कंबाइन किया है इस बस बार पे, इस चेंबर के अंदर, जिसको मैं अभी खोल के दिखा नहीं सकता। ठीक है, सेफ नहीं है क्योंकि मेरे पास सेफ्टी गियर नहीं है इस टाइम। तो यहाँ पे कंबाइन करने के बाद हमने यहाँ पे इस मेन ब्रेकर में ले आए हैं, ये ए बी बी का ब्रेकर है जिसकी रेटिंग है 100 एम्पियर की। ठीक है, तो अगर मैं ये ब्रेकर बंद करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों ब्रेकर बंद हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा हमारा सोलर प्लांट जो दो इन्वर्टर से चल रहा है वो पूरा बंद हो जाएगा। तो अगर आप इस ब्रेकर में अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत सारी सेटिंग दी हुई है इसके, इस मेन ब्रेकर में बहुत सारे प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन, ओवर करंट, अंडर करंट और जो भी होते हैं प्रोटेक्शन दे रखे हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये अब ये इसका आउटपुट है इस ब्रेकर का जो क्लाइंट की तरफ चला जा रहा है, उसको मैं बाद में दिखाता हूँ। हालांकि अब मैं दिखा दूँ कि जब ये इन दोनों ब्रेकर को कंबाइन करने के बाद हमारा आर वाई बी न्यूट्रल जब ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, आर वाई बी, ठीक है, और न्यूट्रल, न्यूट्रल अलग से केबल आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे से आई है ब्रेकर में, हमने उसमें कोई सीटी नहीं लगाया है। ये आप देखेंगे आर वाई बी तीनों फेज के लिए हमने एक सीटी लगाया है, सीटी बोले तो करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या करता है और हमने यहीं पे क्यों लगाया ब्रेकर के पहले, तो आप देखेंगे कि ये सोलर का ब्रेकर है, यहाँ तक आपके इन्वर्टर की पावर आ रही थी, कंबाइन होने के बाद ब्रेकर पे जाने से पहले हमने सीटी लगा दिया कि मतलब अब इस ब्रेकर की तरफ से निकल के जब वो क्लाइंट की तरफ यानी आपके लोड की तरफ जाएगी तो उससे पहले हम मेजर कर सकें कि हमारा सोलर पैनल हमको सोलर प्लांट जो है कितनी पावर बना रहा है। तो हम ये थ्री फेज का सिस्टम है तो हम आर वाई बी पे करंट ट्रांसफार्मर से करंट मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी के पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनपुट आउटपुट करके हमने इस ब्रेकर पे जोड़ दिया है। अब ये जो करंट ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, करंट का रेशियो उठाता है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है शिनाइडर कंपनी का, उस तक पहुँचाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको पैनल सामने का पैनल दिखाऊँ तो इसमें जो है हमारा किलोवाट आवर यूनिट में हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं कि हमारा जो सोलर प्लांट है वो कितना प्रोडक्शन दे रहा है। ये रीडिंग आपको स्टेबल इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि ये जो डिस्प्ले शिनाइडर मीटर का लगा हुआ है ये इसका एक बिट रेट अलग है, मतलब डिस्प्ले करने की कैपेसिटी अलग रेट पे दिखा रहा है, और हम मेरा जो कैमरा 4K में कैप्चर कर रहा है वो अलग है, तो इसलिए अलग अलग रेट में दिखाता है। ये इल्यूजन आप अगर आप कैमरा अपना जो पुराना वाला टीवी आता था उसके सामने करेंगे तो भी आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रीडिंग क्यों नहीं दिख रही है। मैं इसकी फ़ोटो आपको अटैच कर दूंगा, अगर मैं थोड़ा पास ले जाऊँ तो ये इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इस मीटर में ओके और अप डाउन एरो की करके देख सकते हैं। तो इस मीटर को कैसे चेक करते हैं, इसकी सेटिंग चेंज करते हैं, तो इसका एक वीडियो मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि शिनाइडर का कंजर्व मीटर है EM6400NG, इसको कैसे चेक करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया कि हमारा सोलर प्लांट ब्रेकर हो गया, अब सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली हमने मीटर के थ्रू टेस्ट भी कर ली, उसको देखने के लिए आर वाई बी इंडिकेशन लाइट लगी है कि हाँ हमारा फेज आ रहा है। ठीक है, और क्या क्या लगा रहता है इस प्लांट में, अब इस प्लांट में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे कुछ सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा रखे हैं, एसी का सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि ये वाला है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑक्सिलरी पावर के लिए जैसे कि ये बोर्ड लगा हुआ है पावर देने के लिए यहाँ पे, जो कि बाहर एक लैंप लगा हुआ है, या हम वाटर का पंप चलाना चाहते हैं, वाटर का पंप किस लिए, यहाँ पे सोलर पैनल्स की सफाई होती है उसलिए वाटर का एक पंप भी लगा रहता है यूजुअली सोलर प्लांट में। ओके, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है जो कि मार्केट में बोला जाता है इसको डेटा लॉगर, अब ये वेबडिन कंपनी का है। इसी तरीके से बहुत सारी तमाम कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं जिनके डेटा लॉगर यहाँ पे आते हैं। तो यूजुअली इस डेटा लॉगर डीसी डिवाइस होता है, तो हमारा यहाँ पे आप एक एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है जो 240 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और इसे पावर देता है। यहाँ पे हमने एक सिम कार्ड लगा रखा है जिसके थ्रू ये जो डेटा लॉगर है
हमारे दोनों इन्वर्टर रेडिएशन डेटा हमारे सर्वर पे इंजेक्ट करता रहता है कि मतलब हमारा सोलर प्लांट कितना चला, कितनी पावर बनी, कितना जो मीटर है, मीटर में भी अगर आप देखेंगे तो डेटा के लिए दो पॉइंट बने हुए हैं, D0 और D+। इसमें से मॉड बस RS-485 का डेटा आके हम यहाँ पे अलग अलग वायर लगा रखी है और सिम कार्ड के थ्रू इंटरनेट से ये हमारे सर्वर पे अपलोड हो जाता है, तो हमें पता लगता रहता है कि हमारा सोलर प्लांट कितनी पावर दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा लॉगर। अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो हमारा ब्रेकर है, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि RYB न्यूट्रल बस बार है आउटपुट की तरफ जा रहा है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ से आप एक पीछे ब्लैक कलर की मोटी केबल देख रहे होंगे जो क्लाइंट की तरफ चली जाती है, देखेंगे कि वो काली रंग की केबल है और वो नीचे इस बिल्डिंग के अंदर चली गई है जहाँ पे क्लाइंट का पैनल है। तो वहाँ पे जब हम इसे कनेक्ट कर देंगे और हमारा सोलर इन्वर्टर चलेगा तो सोलर से बनने वाली जो भी पावर होगी वो इस बिल्डिंग के लोड में डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कितना पावर आपका सोलर प्लांट बना रहा है वो आपको पता चल जाएगा जो इस ACDB पैनल में मीटर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब इस सोलर प्लांट में मैं जो आपको दिखा रहा हूँ डिवाइस वो है आपका रेडिएशन सेंसर। ठीक है, तो किसी भी सोलर प्लांट का अगर हमें परफॉर्मेंस रेशियो निकालना रहता है तो उसके लिए हमें रेडिएशन डेटा चाहिए होता है उस साइट का। तो रेडिएशन मोस्टली जो स्टैंडर्ड होता है वो माना जाता है कि 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन सन से साइट पर ड्रॉप हो रहा है, तो उसी रेंज में हम इसको देखते हैं। ये भी एक डिवाइस है जिसमें आप देख सकते हैं कि सोलर की छोटी सी एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है, जिस पे सोलर रेडिएशन गिर रहा है। तो ये मॉड्यूल टेम्परेचर के साथ साथ सोलर रेडिएशन को कैप्चर करती है और वो डेटा हमारे स्काडा सिस्टम तक भेजती है जिससे हम जान पाते हैं कि हाँ सोलर का रेडिएशन क्या चल रहा है। तो इस ये कई तरीके का सोलर रेडिएशन डिवाइस हमारे मार्केट में मिलता है, तो ये एक ऐसा है। इसके अलावा एक डोम टाइप CMP3 टाइप आता है, पायरेनोमीटर उसको बोलते हैं, जो भी आप कह लीजिए रेडिएशन सेंसर या पायरेनोमीटर। उसके अलावा एक और डिवाइस लगा हुआ है हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर को जानने के लिए कि हमारे वातावरण का क्या टेम्परेचर है। ओके, तो उस डिवाइस से हमें पता चल जाएगा कि मॉड्यूल टेम्परेचर कितना है, इस डिवाइस से हमें पता चल जाएगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर यानी वातावरण का टेम्परेचर क्या है। जाहिर सी बात है अगर गर्मी है तो आपका जो क्या होगा, आपका वातावरण मान लीजिए अगर 40 रहेगा तो आपको मॉड्यूल टेम्परेचर उससे कुछ ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो प्लास्टिक बॉडी, एलुमिनियम बॉडी हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद गर्म हो जाती है। दोस्तों अगर इस वीडियो में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक जो नुकीली रॉड लगी है उसे बोलते हैं लाइटनिंग एरेस्टर। ये सोलर प्लांट को, सोलर प्लांट के चारों तरफ आप देख पा रहे हो, चारों तरफ उसके बीचों बीच लगी, ये सोलर प्लांट को आकाशीय बिजली यानी थंडरस्टॉर्म में जो लाइटनिंग गिरती है उससे प्रोटेक्शन के लिए लगी रहती है। तो इसका आप कॉपर बॉडी, अपर बॉडी कॉपर का है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि GI स्ट्रिप गई हुई है और यह एक नीचे अर्थिंग पिट बना होगा उसमें जाके कनेक्ट हो जाती है। तो अगर कोई भी आकाशीय बिजली गिरती है तो वो इससे अट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ चली जाएगी। इसी प्रकार जो हमारे इन्वर्टर्स हैं, हमारे ACDB हैं, सबको इंडिविजुअल एक अर्थिंग प्रोवाइड की गई है ताकि अगर कोई फॉल्ट करंट हो, कोई सर्ज हो, जो आकाशीय बिजली गिरे तो वो किसी सिस्टम को हार्म ना करे बल्कि डायरेक्टली अर्थ पिट में जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उसमें चली जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से सोलर प्लांट में, इस छोटे से सोलर रूफटॉप प्लांट में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे सोलर मॉड्यूल से लेके क्लाइंट के एंड पैनल तक कैसे बिजली जा रही है मैंने आपको समझाया। तो इस प्रकार से ये छोटा सा सोलर प्लांट जो रूफटॉप पे लगा रहता है, जो आप अलग अलग विभिन्न सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग्स में देखते हैं, तो इस प्रकार से काम करता है। तो अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो हालांकि जो भी मेन अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें मैं विस्तार से नहीं बता पाया हूँ, तो उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे नीचे। जैसे इन्वर्टर हो गया, मीटर हो गया, क्लैंप मीटर कैसे यूज़ करते हैं, DC AC करंट कैसे टेस्ट करते हैं, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, आपकी क्वेरी जो आपको नहीं समझ में आई है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे लिंक्डइन से मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ के लिए गाइड कर दूंगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन सस्टेनेबल एवरीडे, और मैं और भी नए वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।